जिला बदायूं की ब्लॉक जगत की ग्राम पंचायत थलिया नगला की मजरा थलिया का गंदगी का बुरा हाल है। यहाँ जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है तथा नालियाँ कीचड़ से भरी हुई हैं। गांव के लोग गंदगी को लेकर परेशान रहते हैं। जब हमने गांव के लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी कई महीनों तक नहीं आता है, जब कभी आता है तो एक दो घंटे काम करके ही चला जाता है। इस बात की शिकायत जब ग्राम प्रधान रियाजुल हसन से की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बाद में गांव के लोगों से कहा कि मुझे वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया है। तथा वहां की एक व्यक्ति राय सिंह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी प्रधान के घर तथा उनके घर के आसपास सफाई करके चला जाता है। इसके अलावा वहां पर पंचायत घर का भी बुरा हाल है, जिसमें डेढ़ों कूड़ा कचरा भरा है और बरसात होने पर उसमें पानी भी गिरता है। इस प्रकार गांव गंदगी में तब्दील हो चुका है, जहां पर गंदगी के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं तथा सफाई कर्मचारी की लापरवाही के कारण गांव भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। हमने जिन लोगों से बात की उन्हें मुख्य रूप से नीलेश, राम धीरज, पूरे मोरपाल, वीरेश, राधेश्याम आज मुख्य रूप से मौजूद रहे। बदायूं से आर्य चेतना के लिए पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। भाई ये ग्राम थलिया नगला है, यहाँ लोग अपने आप सफाई करते हैं, प्रधान नहीं सुनता है यहाँ की। जो कौन से हैं? समझे, ये आने वाले प्रधान है, नए प्रधान खड़े होने की सोच रहे हैं ये, लेकिन यहाँ की प्रधान नहीं सुनता है। इस गांव में कई समस्याएं हैं, जो कोई अधिकारी भी नहीं आता है यहाँ पे, कुछ नहीं। आज एक महीना हो गया सफाई कर्मचारी नहीं आए गाँव में, नहीं एक एक महीने में एक बार आते हैं सिर्फ, बाकी प्रधान के घर पर रहते हैं। तो थलिया नगला के प्रधान रियाजुल हसन है, जो नगला में रहते हैं, मुस्लिम है, ये नहीं आते हैं।